145 मीरा भयंदर विधानसभा की इस प्रचार सभा में मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे, सोमराज जैन, विनताई पाटिल, सुनीता पाटिल, राकेश राजपुरोहित, राहुल पारिक, विकास मात्रे, श्री दिनेश सक्सेना, शैलम रघुपे, अब्दुल भाई, नरेंद्र उपाध्याय, डीपी जैन, मुकेश रावल, राजकुमार मिश्रा, उमेश तिवारी, विंसेंट वास, जितेंद्र पाटिल, जितेश वोरा, एडवोकेट विजय वेतोस्कर, जितेन बाबूलाल दुबे, कमलेश जयसवाल, लक्ष्मण बोरिया, ललिता बीस्ट, उषा वोरा, मनोज राजपुर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, श्याम गोस्वामी जी, एडवोकेट विजय जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मेरे साथी और दोस्तों, पिछले कई सालों से ऐसा लगता था कि भयंदर से कांग्रेस खत्म हो गई, और विशेष रूप से ऐसा लगता था कि जैसल पार्क में से कांग्रेस निस्तर नाबूद हो गई है। मगर आज आप लोगों की उपस्थिति देख करके ये महसूस होता है कि कांग्रेस अभी जिंदा है, पूरी ताकत से है, और इसका श्रेय सभी को जाता है, विशेषतः जिला अध्यक्ष को जाता है, यहाँ मंच पे बैठे सारे लोगों को जाता है, यहाँ खड़े सारे लोगों को जाता है, आप लोगों को जाता है। अंकुश मालूसरे और इन सभी लोगों को मैं यही कहता रहा कि पार्टी खत्म पब्लिक ने नहीं करी है, विरोधी पक्ष ने नहीं किया है, पार्टी को खत्म कांग्रेस के वर्कर ने किया है। और वो कैसे किया है, तो कांग्रेस का वर्कर जनता के पास जाने को तैयार नहीं, अपनी बात रखने को तैयार नहीं, अपनी बात बताने को तैयार नहीं, और उसका दोष भी कांग्रेस के वर्करों का नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक अमीर आदमी होता है ना, एक संतुष्ट परिवार होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके बच्चे बॉर्न विद गोल्डन स्पून होते हैं, सिल्वर स्पून होते हैं, और भगवान ना करे कि जब उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, तो उसके बच्चे संघर्ष नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? तो कांग्रेस के वर्कर का हाल वैसे ही है कि समृद्ध थे, सालों सालों तक के जो है सत्ता भोगी थी, भले सत्ता में से कुछ मिला नहीं था, लेकिन ऐसा छाती तान के चलते थे कि भाई कॉर्पोरेशन हमारे पास है, मंत्री हमारे पास है, मुख्यमंत्री हमारे पास है, प्रधानमंत्री हमारे पास है, भले इसको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मस्त थे, अपने मस्ती में मस्त थे। अब अचानक से क्या हुआ, दुकान बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, साइकिल भी नहीं बची, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, तो संघर्ष, बड़े आदमी का बच्चा संघर्ष कर नहीं सकता। अब मुझे तो आदत है संघर्ष करने की, क्योंकि मेरे नाम में ही मुजफ्फर बोले तो विजय, विजय बोले तो विक्टोरियस है, जीत है। मेरे पिताजी को एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम मैंने कितना अच्छा रखा, देखो विजय मतलब हमेशा तुम विक्टोरियस रहोगे, मुजफ्फर का मतलब। मैंने बोला यही तो मुश्किल है, मतलब जिंदगी भर मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बगैर लड़ाई लड़े कोई जीत नहीं सकता, जीत सकता है क्या? आज अगर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं, पिछले 3 साल मेरी 2 स्पाइन की 3 सर्जरीज हो गई, और 3 सालों में 18 महीने मैं बेड रिडन था, अस्पताल में था, और 3 बड़ी सर्जरी हो गई। मगर उसके बावजूद आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम है लोगों का, कि मैं आज खड़ा हूं, वरना लोग स्पाइन की 1 सर्जरी करने से भी डरते हैं। और ये इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद भी मेरा परिवार, मेरे माता पिता, कोई भी मैं ये चुनाव लड़ूं इसके हक में नहीं है,
वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, मगर मैंने ये निश्चय किया कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके लिए नहीं लड़ना है कि मुझे आमदार बनना है। मैं 9 साल आमदार रह चुका हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं आमदार था? हाथ उठाइए। आप सभी लोग जानते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था? ये सभी लोग जानते हैं। मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कॉर्पोरेटर रहा, डिप्टी मेयर रहा, 9 साल विधान परिषद में रहा, 14 साल प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, यूपी का इंचार्ज रहा, आज प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। मगर आप लोगों की दुआ से कहीं पे भी जीवन में, करियर में एक ऐसा नुक्ता, धब्बा, दाग कहीं पे मुझ पे लगा नहीं, ना संगठना में ना सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि काम करने की शैली मेरी बहुत ही स्पष्ट सरल है। ना किसी के साथ झगड़े लपड़े में जाता हूं, ना किसी की प्रॉपर्टी पे बोर्ड लगाता हूं, और ना धर्म के नाम पे वोट मांगता हूं, और ना धर्म के नाम पे वोट मांग के खुद की होटल में शराब पीता हूं, ना धर्म के नाम पे खुद के होटल के अंदर क्लब चलाता हूं पत्तों का, ये सब कुछ नहीं करता। मेरा भी क्लब है लेकिन हेल्थ क्लब है, और वो 95 में बनाया था जब एक शहर को बड़ा कर रहे थे, बना रहे थे, तो वहां पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के मद्देनजर वो क्लब बना था, जो आज भी स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब वहां पे चलता है। हमने वहां पे कोई भी बियर बार नहीं बनाया, वहां पे कोई भी पत्ता खेलने वाला क्लब नहीं बनाया, वहां के उस क्लब के अंदर कोई लाखों रुपए की मेंबरशिप हमने नहीं बनाई, ना ये शहर के अंदर किसी की जमीन पे जबरदस्ती बोर्ड लगाया, ना कभी किसी ठेकेदार को बोला कि मुझे इतना परसेंटेज दो। आप लोग ने कभी सुना है किसी ने? अगर किसी ने भी सुना है कि अगर इस शहर में मुजफ्फर हुसैन ने किसी गरीब आदमी को या अमीर आदमी को तकलीफ दिया है, तो आप हाथ उठा के बता सकते हैं कि सर आपने गलत काम किया है? आप में से कोई? हजारों बच्चों को हम मदद करते हैं, आर्थिक रूप से करते हैं, मगर ये मुट्ठी बंद रख के करते हैं, कभी इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। हजारों लोगों को हम हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ के लिए मदद करते हैं, उसको बंद मुट्ठी रखते हैं, कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। और यही वजह है कि जब हमारे अस्पताल के ऊपर लांछन उड़ाया गया, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, देखा था ना, हमने उसका जवाब दिया था, और उसके बाद में हाईकोर्ट में 25 करोड़ का आबरू नुकसान का दावा दाखिल कर दिया। इन्होंने एफिडेविट दिया कि हाँ हमने वो वीडियो सब वायरल किया था, अभी हमने उसको फेसबुक पे से निकाल दिया है। अगर आपने सच बोला होता तो आपको निकालना नहीं चाहिए था। निकालना चाहिए था क्या? निकाल दिया। वकील ने कहा कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, हमारे वकील ने कहा कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, डिफेमेशन सूट अपनी जगह पे रहेगा, कोर्ट ने आदेश दिया है कि ना ये ना इनकी तरफ से कोई, और उस संस्था के बारे में, ट्रस्ट के बारे में कोई भी अल्फाज बोलेंगे। तो ये सच्चाई की जीत हुई क्या हार हुई? अगर हमने गलत किया होता तो ये नहीं हो सकता। सरकार को गलत दिशा दिखा करके 10 आदमी की कमेटी बनाकर लेकर आए, हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया, संस्था ने दिया, मैं भी एक ट्रस्टी हूं उसमें से, संस्था ने रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को कि हमारी संस्था हाईकोर्ट के डायरेक्शन, चैरिटी कमिश्नर के डायरेक्शन पे चलती है, सरकार ने अपना भेजा हुआ जो पत्र था, कमेटी था, वो कैंसिल कर दिया। अगर गलत होता तो करती थी क्या सरकार? सरकार इन्हीं की, मुख्यमंत्री इन्हीं के, कर सकते थे क्या? तो जीवन में हमने एक ही काम किया कि जो कुछ करना है कायदे से करना है, कायदे के दायरे में करना है, कायदे के बाहर जाके कुछ भी काम जीवन में करना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। इसी शहर के अंदर पैदा हुए आप, जहां हम आप पर हम बैठे हैं, हम मीरा रोड से बैलगाड़ी में, मैं यहां आ जाया करता था, भयंदर वेस्ट जाया करता था, उत्तन जाया करता था, उस बैलगाड़ी से मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं, भले 50 साल लग गया होगा परिवार को, 5 साल में नहीं हुआ,
कहा कि मेरे पास 85 में या 90 में मर्सिडीज गाड़ी थी। अब वो गाड़ी का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मुझे तो याद है कि हमारे फादर ने पहली इम्पोर्टेड गाड़ी, बता रहा हूँ मैं तो पैदा हुआ तभी हमारे पास इटालियन फैट थी। गाड़ी का नंबर भी याद है मुझे, 5123 MHC 5123 गाड़ी का नंबर भी याद है मुझे कि जब मैं पैदा हुआ था तो हमारे फादर के उसमें ब्लैक इटालियन फियाट थी। और उसके बाद में 70s के अंदर एम्बेसडर थी, उसका भी नंबर याद है MRJ 1233। और उसके बाद में जितनी गाड़ियां हमने ली, भगवान की और ईश्वर की कृपा रही हमारे पे, कोई गलत माध्यम से नहीं ली। जितनी गाड़ियां ली सब अपने नाम पे ली, वाइट के पैसों से। तो हमारे परिवार का पूरा चिट्टा किट्टा जो है वो, और हमारे जीवन का चिट्टा किट्टा जो है वो जनता के सामने है, समक्ष है। आज भी मेरी मम्मी, आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा रिक्शा में चले जाती है, कितने लोगों ने देखा है सर कि रिक्शा में चले जाती है। उसको ये नहीं है कि मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होना चाहिए या लैम्बोर्गिनी होना चाहिए। हमारे फादर ने कभी गिफ्ट नहीं दिया उनको लैम्बोर्गिनी, रिक्शा में चले जाइए। तो इतना सरल जीवन हमारे परिवार का हमारा रहा, तो फिर क्यों मैं चुनाव लड़ रहा हूं? फिर चुनाव लड़ने की वजह क्या? कोई तो वजह होनी चाहिए ना आदमी को कि भाई मुझे मंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे बहुत धन संपत्ति जमा करनी है या लोगों की बहुत सेवा करनी है। सेवा तो जीवन में, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में आए तो सेवा तो उसका पहला कर्म है। ये पहली कंडीशन है कि आपको जनता की सेवा ही करनी चाहिए। कोई लोग करते हैं सेवा करके मेवा खाते हो, बात अलग है। तो हमने ये फैसला इसलिए किया कि लोग, मैं 8 महीना बिस्तर पे था 2017 जनवरी, 15 जनवरी को मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई और मेरे स्पाइन के अंदर अभी प्लेट्स बिठाई गई, 2 प्लेट स्क्रूज बिठाई गई। 12 घंटे सर्जरी चली थी और 8 महीना मैं बेड पे था। और अगस्त के 2018 के बाद में ही मैं चलना फिरना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। मगर उस 8 महीने में जितने लोग मुझे मिलने को शहर में से आते थे, कोई रोता था, गरीब आदमी कोई ठेला लगा रहा है उसको परेशान किया जा रहा है, कोई रिक्शा वाला है उसको परेशान किया जा रहा है, कोई गाड़ी घोड़े वाला है ट्रांसपोर्ट वाला है उसको परेशान किया जा रहा है, इंडस्ट्री वालों के बारे में तो पूछो ही मत, बेचारों का बुरा हाल करके रखा हुआ है, बुरा हाल है। कल भी मैं इंडस्ट्री में गया था, बोले साहब आदमी आ जाता है, बोले 13 फुट से 1 फुट ऊपर लेगा तो तोड़ दूंगा, तो इतने पैसे दे दो। तो कोई भी इंडस्ट्रीज वाले परेशान, ट्रांसपोर्ट वाले परेशान, बिल्डर परेशान, स्टेट एजेंट परेशान, जमीन के मालक परेशान, खेडूत परेशान, मच्छीमार परेशान, और सारे के सारे परेशान किससे? जिसने उन लोगों का समर्थन करना चाहिए, जिसने उन लोगों की परेशानियों को छुड़ाना चाहिए, परेशानी को दूर करना चाहिए, उस व्यक्ति से पूरा शहर परेशान। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि ये अन्याय और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई मैं लड़ूंगा, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ। कल कुछ पत्रकार मित्र थे हमारे, मुझसे पूछने लगे, अरे लोकसभा में सेना बीजेपी को 1,34,000 वोट मिला है, आपको खाली 64,000 मिला है एनसीपी कांग्रेस को, तो आप कैसे चुनाव जीत सकते हो? आप तो जीतने वाले नहीं हो, आप तो 1,00,000 से हार जाओगे, 50,000 से हार जाओगे। मैंने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई तो होना चाहिए, ये पूरा समाज देखता है कि कोई तो मर्द है जो अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला है। और मुझे यकीन है आज भी मुझे 102 बुखार है, लेकिन सवेरे 8 बजे से मैं उत्तर में था, अभी घर गया, कपड़े चीज के वापस आ, इसलिए थोड़ा आहिस्ते भाषण ना करता। तो कोई तो है, जब लड़ने के लिए बाहर निकलेगा तो लोग उसका साथ देंगे।
और ये वही है आज आपका मजमा इस भयंदर ईस्ट में जेसल पार्क की जनता ये मुझे दिखा रही है कि साहब आप लड़िए हम आपके साथ हैं। इस शहर में इलेक्शन आता है तो प्रचार हर पार्टी करती है, हर उम्मीदवार करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जो काम आपने किया है उसका प्रचार करना चाहिए। मगर जो काम नहीं किया है अगर उसको किसी को गर्व लगता है तब तो बड़ा सवाल पैदा होता है। किसी का भाषण मैंने सुना, किसी कार्यक्रम में, गौ माता के कार्यक्रम में थे, तो वहां पे उन्होंने कहा मुझे 7-11 के ऊपर गर्व है। किस पे गर्व है? मुझे 7-11 के ऊपर गर्व है। चाहे 7-11 के बारे में कोई कुछ भी कहता हो, मुझे 7-11 के ऊपर गर्व है। मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब आपने ये कहना चाहिए था, मैंने किसी गरीब के आंसू पहुंचा है तो मुझे उस पर गर्व है, मैंने किसी अनाथ को आसरा दिया है तो मुझे गर्व है, मैंने किसी मरीज की का इलाज कराया है तो मुझे गर्व है, मैंने इस शहर के लोगों को न्याय दिया है तो मुझे गर्व है, मैंने इस शहर को लॉ एंड ऑर्डर दिया है, प्रशासन दिया है तो मुझे गर्व है, मैंने इस शहर के लोगों के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स, कचरे का टैक्स डबल नहीं लगाया उसके ऊपर गर्व है, मैंने पानी का टैक्स नहीं बढ़ाया मुझे उस पर गर्व है। ऐसा कहना चाहिए मगर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पानी कितना घंटा आता है जरा बताइए, 15 मिनट 20 मिनट। 5 साल पहले हकीकत बताइएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कितना घंटा आता था? 1 घंटा आता था। 7 रुपया 10,000 लीटर का आप लोग टैक्स भरते थे पानी का बिल का। अभी मालूम है आप लोग कितना भरते हैं? 14 रुपया। मतलब टैक्स आपका डबल हो गया पानी का बिल और पानी आपका आधा हो। आपका जो हाउस टैक्स है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टैक्स लिया जाता है, मालूम है आपको? मगर उसके बावजूद आपके ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लगा है, ये मालूम है आपको क्या? नहीं मालूम है? मालूम है, वो शोले पिक्चर देखी थी आप लोगों ने, उसमें ठाकुर के 2 आदमी आते हैं और वो किसान बेचारा 2 बोनी ला के रखता है, वो बोलता है ये बाकी के अपनी बरातियों को खिलाने को रखा है, तो गब्बर सिंह के लोग आते हैं टैक्स वसूल करते हैं और आप लोग चुकाते हो। हमने उसी टाइम आह्वान किया था कि इस टैक्स को मत भरो क्योंकि ये बलजबरी का टैक्स है। आपका शहर साफ है क्या? कचरा उठता है क्या? मच्छर नहीं है क्या? आपको मालूम है डेंगू के केसेस कितने होते हैं इस शहर में रोज के? 70-80 डेंगू के केसेस। आपको पता है मलेरिया के केसेस कितने हैं? 100 की तादाद में। तो ना कचरा उठा ना पानी आया। भयंदर लोकल जो चल रही है 5 साल 10 साल पहले से उसमें कोई वृद्धि हुई क्या? भयंदर रेलवे स्टेशन पे 1 या 2 एस्केलेटर के अलावा नया कुछ हुआ क्या? महिला लोकल बढ़ी क्या? ये मेरा निर्धार है, भयंदर ट्रेन बढ़ानी है, महिला स्पेशल्स बढ़ाना है, इस रेलवे का और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ये मेरा निर्धार है। ये सब पे किसने फाउंडेशन रखा था पता है आपको? हम लोगों ने रखा, मैं उपमहापौर था, तभी 11 करोड़ का बजट था। और कितने में बना पता है आपको? पिछले 5 साल में हमने जब सत्ता छोड़ी तभी 22 करोड़ या 23 करोड़ कुछ था, अभी 100 करोड़ के करीब उसका खर्चा किया गया। मीरा भयंदर महानगर पालिका 750 करोड़ रुपए के नुकसान में और कर्जे में है 5 साल के अंदर। हमको मीरा रोड से लोकल ट्रेन शुरू करनी है, ये मेरा निर्धार है। हमको धैसर से भयंदर तक का लिंक रोड बनाना है, ये हमारा निर्धार है। टोल टैक्स हटा क्या? धैसर टोल लगा, कितने लोग गाड़ी से जाते हैं इधर, हाथ बताइए। 5 साल पहले सेना बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, जाहिरनामे में था कि मुंबई के सारे एंट्री पॉइंट से हम टोल नाका हटा देंगे। हटा क्या? उसे हटाना ये मेरा निर्धार है। हमने जो भी हमारे वचननामा में, आपके पास किताब आएगी पढ़िएगा, फेसबुक के ऊपर हमने डाली भी है उसे देखिएगा, वेबसाइट पे डाली भी है उसे देखिएगा,
ये शहर के संबंध के संदर्भ से जनता की जो भी परेशानियां पिछले 5 साल में जो हल नहीं हुई है उसे हल करने का हमारा निर्धार है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने बनाया, सिर्फ कनेक्शन करके चालू करने का था, अभी तक वो काम नहीं हुआ। जैसल पार्क का आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एसटीपी का मेंटेनेंस कोई व्यक्ति कर रहा था, उसको हटा दिया गया वहां से और खुद करते हैं, महापालिका से करवाते हैं और आपके ऊपर टैक्स डबल ट्रिपल लगाते हैं। परिवहन सेवा बसेस हम लोगों ने लाई, उद्घाटन हो गया उसका, बसेस सड़ गई मगर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया। अब इलेक्शन आया तब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जिसको वसई विरार महापालिका ने ब्लैकलिस्टेड किया है। उसने क्या किया, आकर के जो स्थानीय भूमि पुत्र थे, लोग थे, वर्कर्स थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं अन्याय। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टेंडर कौन लेता है, तो इनके लोग लेते हैं। प्रमोद मैदान का सभागृह का टेंडर कौन लेता है, तो इनके लोग लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी के मार्केट के टेंडर्स कौन लेता है, तो ये लोग लेते हैं। मार्केट के अंदर नया मार्केट अभी होस्कॉल पार्क में बना है, जो 200 साल से आपके जैसल पार्क में हॉकर्स बैठते हैं उनको जगह नहीं दी जा रही है, नए लोगों को दी जा रही है। तो ये जूनियर हॉकर्स हटेंगे क्या, वहीं बैठे रहेंगे, हटेंगे या वहीं बैठे रहेंगे? तो ऐसा अनगिनत चीजें हैं। जिसके घर में पहले ही 20 माले पे कोई रहता है तो क्या लकड़ी फूंकता है चूल्हा जलाने के लिए? मगर फोटो ऐसी महिला की लगती है कि मेरे घर में गैस आ गया, वो 20 माले पे रहते तो क्या चूल्हा फूंकते थे? मेट्रो के ऊपर जो आदमी का फोटो है, कोई क्रिश्चियन भाई है हमारा, उसका नाम, वो पार्वा में रहता है और बोलता मीरा भयंदर में मेट्रो आ गई, मुझे गिरो। शांति पार्क के अंदर मीरा रोड शांति पार्क में बच्चों के प्लेग्राउंड को नष्ट कर दिया है। कई जगहों पे बच्चे क्रिकेट का ट्रेनिंग कैंप लेते थे, वहां के प्लेग्राउंड नष्ट कर दिए गए। अगर का बोर्ड लगता है, बच्चे कहते हैं मुझे प्लेग्राउंड मिल गया। आप जो जो उठते रिक्शा, महिलाओं को रिक्शा दी, कितनी दी, किनको दी, कितनी रिक्शा शहर में चलती है? आपके जैसल पार्क में हम लोगों ने आरटीओ पासिंग के लिए जगह रखा हुआ था, फिर उसको वेस्ट में शिफ्ट किया, शीतल नगर में शिफ्ट किया, ये लोगों ने सारा बंद कर दिया। आज गाड़ी पासिंग के लिए आपको थाना जाना पड़ता है, रिक्शा वालों को कल्याण जाना पड़ता है। ये भाई साहब इंसान में 2 मिनट सफर करो ना, तब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। प्लीज पीछे भी जरा जैसवाल शांति रखिए 2 मिनट। नाश्ते के पैकेट है आप लोगों के लिए, वो बाद में दीजिए जरा, बेचारे पहले ही ऐसे प्यासे हैं और पानी का टैक्स डबल भर रहे हैं। तो मुद्दे आपसे जो वचननामा मिलेगा तो आपके समझ पाएगा कि हमारा जो निर्धार है, हम जो आपके सामने अपना जाहिरनामा हम दे रहे हैं, इसी देने के लिए दे नहीं रहे हैं, तो हम उसे पूरा करने वाले हैं, हम उसे पूरा करने वाले हैं। ये शहर के अंदर पहला पानी 1988 में आया था, पहली नगर पालिका का चुनाव 91 में हुआ था। मुझे याद है उमा पाटिल हमारी पहली नगर सेविका है, उसे डॉक्टर गजानंद देसाई बने थे। कितने लोग पहचानते हैं डॉक्टर गजानंद देसाई? और इसी सभागृह में हम लोग मीटिंग लिया करते थे, इसी सभागृह में हम लोग मीटिंग लिया करते थे। तो 1988 से लेकर तो 2014 तक हम लोगों ने 175 एमएलडी पानी लाया, मगर ये पूरे 5 साल में नया पानी नहीं आया। और 75 एमएलडी पानी में से जो 40 एमएलडी पानी आया, थाने के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में महापौर ने और कमिश्नर ने बोला कि ये जो बहिरानंदानी को पानी मीरा भयंदर की लाइन में से दिया गया। देखा था आप लोगों ने टीवी में, सुना था क्या, नहीं सुना था? तो ऐसे आपको मैं इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजों से अवगत है। सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, प्रांत के नाम पे और दिल्ली को देख करके फैसला मत कीजिएगा। ये चुनाव इस शहर के भविष्य का चुनाव है। और मेरी कार्यकर्ताओं से और नेताओं से भी विनती रहेगी, मेहरबानी करके आप केंद्र सरकार के ऊपर कोई बात मत करें।
पंच प्रधान के ऊपर बात मत करें, विषय यहां का है, शहर का है, यहां के लोग प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोगों को यहां के लोग प्रतिनिधि की तकलीफ है, अड़चन है, परेशानी है, विधानसभा के अंदर उनको अपना प्रतिनिधित्व भेजना है, तो विधानसभा और अपने शहर की बातें कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आदमी जाता है प्रचार करने को, तो वोटर बोलता है हमको ट्रेन बढ़ा के दो। तो ये क्या हो, ये हम लोग उल्टा दिशा दिखाते हैं लोगों को। तो आप अभी विधानसभा की बात छोड़ दोगे, मीरा भयंदर क्षेत्र की बात छोड़ दोगे, आप दिल्ली की पेट्रोल की, गैस की, डीजल की बात करोगे, भाव कम करके ला के दो, तो लोग आपसे वही चर्चा करेंगे। लोगों का ध्यान भटकाने का पर्पस बीजेपी का है, यहां के नेता का है, वो चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार की तरफ इशारा करके टीका टिप्पणी करो ताकि उसके ऊपर से ध्यान हट जाए। तो ये गलती कोई ना करे, आपको जो बात करनी है, एक तो व्यक्तिगत किसी का नाम लेके टीका टिप्पणी मत कीजिए, मेरा आप लोगों को सूचना है। उसके दो कारण है कि लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है, दूसरा आचार संहिता का मामला होता है, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि कायदे का पालन करना चाहिए। आपका नेता शिष्टाचार वाला है, भ्रष्टाचार वाला नहीं, इसलिए कायदे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो कार्यक्रम होना चाहिए शिष्टाचार से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, परमिशन लेके करना चाहिए और रिच्स मुद्दों पे बात करनी चाहिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं उड़ाइए। सारे लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं ना किसने क्या किया, कौन नहीं जानता उसने हाथ ऊपर करने का कि मुझे कुछ मालूम नहीं मीरा भयंदर में क्या हो रहा है, मुझे मालूम ही नहीं साथ के आना क्या है, मालूम है ना सबको, पता है आपको, और क्या हो रहा है शहर में ये भी पता रहा है, म्युनिसिपैलिटी कैसे चल रही है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे हो रहा है, इलेक्शन के अंदर किस तरह से गैर चीजें, अब कल फोटोज आ रही थी हमारे पास कि कॉर्पोरेटर जो है बच्चों को, लोगों को साड़ी, टिफिन, बर्तन, सामान बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? सामान बट रहा है। तो दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सामान बट रहा है, जो आपके जेब से 100 रुपया चोरी किया जा रहा है, उसमें से 1 पैसे का सामान आपको वापस दिया जा रहा है। कितने पैसे का? और कितने की चोरी हो रही है? 100 रुपए की। तो इसका निर्णय आपको करना है कि आपको वो 1 पैसे के सामान के लिए अपने आप को और आपके भविष्य को 5 साल के लिए आपको अंधकार में डाल देना है कि नहीं डालना है, इसका निर्णय आपको करना है। कल हम फॉर्म भरने वाले हैं, नॉमिनेशन भरने वाले हैं, मेरी विनंती रहेगी और गुजारिश है कि आप सभी लोग उसमें आए, फॉर्म भरने में हमारा साथ दे, अपना साथ, सहकार और आशीर्वाद दे, और जहां भी कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, उस कार्यक्रम प्रोग्राम को आप अटेंड करें। आप मुझे कहेंगे कि साहब हमने 8-10 सोसाइटीज की बैठक लगाई है, मैं 101 तक के आऊंगा, 2 नंबर का कोऑर्डिनेशन, और तो बाकी के सारे लोग कर रहे हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की और इम्प्लीमेंटेशन की जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे के पास ही दी हुई है। तो जो भी मीटिंग्स आपको लगानी होगी, जो भी मंच पे भी कार्यकर्ता सब बैठे 2 नंबर 5 नंबर के, तो कोऑर्डिनेशन कीजिएगा, वरना क्या होता है कि इलेक्शन के वक्त में लोग कहीं सी सोसाइटी में जमे हैं, फिर तो उसी टाइम पे, मिसाल दे रहा हूं कि राहुल पालिका जाएंगे साहब बाजू की सोसाइटी में भी चलो, फिर उमेश यादव जाएंगे साहब बाजू की सोसाइटी में भी चलो, तो वैसे उससे होता यह है कि जो लोग बेचारे मीटिंग लगा के वेट करते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ये थोड़ा आपस में आप लोग कोऑर्डिनेशन रखिएगा। आप सब लोगों का, अंकुश जी और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आप अध्यक्ष होने के बाद में पहली बार आपने बढ़िया और अच्छी मीटिंग लगाई है। और एक बार तालियां जोर से। मगर जिस तरह भी आपने ये महीने भर में पूरा गियरअप करके सबको साथ लेकर के किया है, मैं उम्मीद करता हूं मेरे इलेक्शन तक के ही नहीं तो आगे भी इसी तरह सबके साथ साफ रखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ के पंजे पे बटन दबा के 21 अक्टूबर को अपना वोट जरूर दीजिएगा। आपको जो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं अपनी खुद की, परिवार की या सोसाइटी की या कॉम्प्लेक्स की, उसको सही तरीके से अगर आपने निभाया तो मुझे पूरी खात्री है कि ये सीट और ये जीत
जनता की होगी, आपकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।